ये मिल्किंग मशीन मिल्कवेल MWT1 0.5 HP मोनो ऑयल है। इसको आज हम समझेंगे कि किस तरीके से इस मशीन को आपने ऑपरेट करना है, और इस वीडियो के अंदर खासतौर पे हम समझ रहे हैं कि इसके कौन कौन से मेन क्रिटिकल पार्ट्स हैं। ये सबसे पहले जो है इसका क्लस्टर असेंबली है, जिससे कि एनिमल के थनों को मशीन लगाई जाती है। ठीक है, इसको एक एक करके लगाया जाता है। सबसे पहले इसका वैक्यूम वॉल्व जो है आपको अंदर की तरफ धकेलना होता है, जिससे कि वैक्यूम इसको मिले। ठीक है, उसके बाद एक एक करके एक एक थन को लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो एंगल आप देख रहे हैं, इससे वैक्यूम चोक होता है और इसको प्रॉपरली इस तरीके से अप्लाई करते हैं। दूसरा जो इसका मेन पार्ट है वो है कि आपने इसका वैक्यूम लेवल मेंटेन करना है 15 पे। जब भी आप मशीन चलाएंगे तो ये जो वैक्यूम लेवल है इसका 15 या 400 पे सुई रहनी चाहिए। वैक्यूम जो है इस रेगुलेटर से घटाया या बढ़ाया जाता है। इसको आप टाइट करेंगे तो ये वैक्यूम बढ़ेगा, घटाएंगे तो रिलीज होगा। ये टाइट किया और ये रिलीज हुआ। दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है वो है इसका वैक्यूम पंप ऑयल डालने का। ये एक रास्ता है, वैक्यूम पंप में ऑयल प्रॉपरली मेंटेन रहना चाहिए और इस ऑयल विंडो के अंदर हाफ तक ऑयल मेंटेन रहना चाहिए। तो ये रिसर्कुलेटरी पंप है, जब भी ऑयल काला हो जाए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।